नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के मशहूर मोठ चावल खाना किसको पसंद नहीं है। इसको बनाना बहुत आसान है, इसे बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये खाना हर कोई पसंद करता है। ये बिल्कुल ऑयल फ्री है और कभी आपको ऑयल फ्री और चटपटा खाना खाना हो तो आप मोठ चावल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में ये हर हफ्ते बनने वाली रेसिपी है और इसको जब कोई घर आता है तो स्पेशली कहकर बनवाते हैं कि हमें मोठ चावल बनाकर खिलाइएगा। इसको आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप बनाकर खाकर प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी और न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम मोठ चावल सिंपल सी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। मोठ बनाने के लिए यहाँ पर एक मेजरिंग कप से मैंने एक मेजरिंग कप मोठ लिए हैं और इसको रात भर हमने भिगो दिया है। इसको भिगोने के लिए कम से कम 7-8 घंटे का समय चाहिए। अच्छे से धो कर भिगोए हैं और अब हम इसको पहले उबालेंगे। उबालने के लिए हम पानी लेंगे और पानी जितना जो हमारा मेजरिंग कप है उसी मेजरिंग कप से हमने यहाँ पर 4.5 कप पानी लिया है। आप कोई भी कटोरी से नापे तो आपको 4.5 कटोरी पानी डाल के इसको उबालना है। अब हम इसको उबलने के लिए रखेंगे और आप कोई भी चीज़ बनाए, मोठ बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए, उबलते हुए पानी में चीज़ डालिए तो हमारी चीज़ का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने पानी को उबालेंगे और पानी में उबाल आने के बाद पहले मोठ डालेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, उबल गया है, अब हम इसमें अपने मोठ डालेंगे। मोठ को हमने एक बार फिर से धो लिया है, रात का पानी इसमें से हमने निकाल दिया है। अब हम सारे मोठ कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और नमक हम इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि जो हमने इसका मोठ मसाला बनाया है ना उसके अंदर भी नमक है। अब हम इसमें लाल रंग डालेंगे और लाल रंग थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। आप देखिए मैंने चक्कू पे कितना सारा कलर लिया है, इतना कलर हमें डालना है तभी हमारा कलर आएगा और चक्कू से ही हम हिला देंगे, हमारा चक्कू भी साफ़ हो जाएगा। अगर कलर कम रह जाए तो आप बाद में भी हल्का सा कलर डाल सकते हैं। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और दोबारा से गैस के ऊपर उबलने के लिए रखेंगे। अब हम एक विसल होने का इंतज़ार करेंगे और एक विसल होने के बाद कम से कम मोठ को हम 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 से 21 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट चाहे हो जाए, लेकिन 19 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है वरना हमारे मोठ कच्चे रहेंगे। यहाँ पर एक सीटी हो गई है, अब हम अपने मोठ को कम से कम 20 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और स्टीम अपने आप निकलने देंगे, कुकर नहीं खोलेंगे। स्टीम अपने आप निकलने के बाद कुकर खोलेंगे। यहाँ पर सारी स्टीम निकल गई है, अब हम कुकर को खोलेंगे। वाओ, क्या कलर आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और कुकर को खोलने के बाद कड़छी के उल्टी साइड से हम इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए कम से कम 2-3 मिनट के लिए घुमाएंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक हमारे ये मोठ चावल बिल्कुल एक सार नहीं हो जाते। इसमें पानी और मोठ अलग अलग नहीं होने चाहिए। मोठ को हम इस तरीके से कड़छी में डालकर देखेंगे और इस तरीके से आप लगा कर देखिए, देखिए ये पानी नीचे नहीं जा रहा। अगर ये मिले नहीं होंगे, खुले नहीं होंगे ना, तो पानी नीचे चला जाएगा। बिल्कुल एक सार मलाई जैसा होने तक हम इसको घोल लेंगे। यहाँ पर हमारे मोठ बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब हम चावल बनाएंगे। अब हम चावल उबालेंगे। चावल उबालने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास चावल लिए हैं जिनको मैंने
अच्छे से धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। अब हम अपने चावल बनाना शुरू करेंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उसका हम 6 गिलास 6 गुना पानी इसमें डालकर इस पानी को हम उबालने रखेंगे। उबलते हुए पानी में हम चावल डालेंगे तो हमारा एक एक दाना खिला खिला बनेगा। तो अब मैं इसको गैस पर रख रही हूँ। यहाँ पर हम अपने पानी को रख रहे हैं और पानी को रखने के साथ इसको हम फुल पर कर देंगे और इसको हम ढक देंगे। यहाँ पर पानी उबलने लग गया है। अब हम डालेंगे इसमें चावल और चावल डालने के लिए हमने चावल से पहले वाला सारा पानी निकाल दिया है और धीरे धीरे करके चावल को भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे चावल डाल दिए हैं और यहाँ पर हम 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। उबलते हुए चावलों में नमक ज्यादा डलता है क्योंकि ये पानी के साथ निकल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फिर से ढक देंगे। चावलों में हल्दी हमने इसलिए डाली है, गोश्त के साथ चावल जो है वो हल्दी वाले ही चलते हैं। तो पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसको सिम पर कर देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे और अब हम इसके ऊपर ढक्कन को नहीं लगाएंगे, बस चावल के पकने तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर हमारे चावल बिल्कुल बन गए हैं। चावलों को हमने ओवर कुक नहीं करना, उबलते हुए उबालने वाले चावलों को जो हम पानी डालकर बनाते हैं इनको हमें ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा ही खड़ा खड़ा हो तो हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसका पानी निकालेंगे, ढक्कन लगाकर हल्का सा यहाँ से अनकवर करते हुए सूती कपड़े से इसको पकड़ेंगे और बस धीरे से हम इसका इस तरीके से सारे पानी को निकाल देंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे पानी को निकाल लिया है। यहाँ पर हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब चावलों को हम अंदर करेंगे, उसके बाद गैस को बिल्कुल सिम पर जलाएंगे, लो फ्लेम पर। 1 मिनट से भी कम के लिए हम अपनी गैस को चलाएंगे और अपने ये जो पतीला है ना इसको इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे। जब भी आप उबले हुए चावल बनाएं, एक बार पानी उतारने के बाद सिम के ऊपर 15 से 16 सेकेंड तक आप इसको इस तरीके से घुमा लीजिए। इसके अंदर जो 2-3 बूंद पानी की होंगी होंगी वो सूख जाएगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे, अपनी जाली रखेंगे। ये इसी जैसे जैसे स्टीम बनेगी स्टीम निकलती रहेगी और एक एक दाना चावल का बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको चावल दिखा रही हूँ, हमारा एक एक दाना देखिए खिला उखला, एक एक दाना कहीं से भी आपस में जुड़े नहीं हुए, गुठली नहीं बनी हुई। आप इस तरीके से चावल बनाएंगे ना तो आपके चावल भी इसी तरह से खिले खिले बनेंगे। यहाँ पर हम अपने मोट मसाले को तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 टेबलस्पून आमचूर लिया है, 2 टेबलस्पून देगी मिर्च है। देगी मिर्च ही डालनी है, इसी से ही हमारा कलर आएगा। सूंड सूखा हुआ अदरक सौंठ 1 टेबलस्पून, काला नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून और इसी के साथ जीरा 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1/2 टेबलस्पून और सूखा धनिया चाहे साबुत ले लो चाहे पाउडर 1 टेबलस्पून। अब हम पहले इन मसालों को रोस्ट करेंगे, फिर मिक्सी में डालकर हम इन्हें पीसेंगे। यहाँ पर हमने अपना छोटा फ्राइंग पैन लिया है, आप कोई तवा भी ले सकते हैं। इसको हल्का गर्म करना है और सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरे को बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे और इसी स्टेज पर हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। इसको लाल नहीं करना, हमें बिल्कुल
इसी कलर में रखना है। अब हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन को भी बस इतने ही सेकंड्स तक भूनना है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और इसी के साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे अपना सूखा धनिया। सूखा धनिया डाल रहे हैं और सूखे धनिए को भी बस हमें हल्के हाथ से हल्का सा ही भूनना है। भूनने के बाद, ठंडा करने के बाद फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। यहाँ पर मसाले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको मिक्सी में डाल लेंगे और इसी के साथ ही हम अपने ये वाले मसाले भी साथ में ही डाल लेंगे और अब हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पर हमने अपने मसाले को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से बारीक पीसना है। अब हम इसको एक अपने बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे, डाल देंगे। इस मसाले को आप शीशी में डालकर बंद करके अच्छे से 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी इमली को भी अच्छे से मसल कर साफ कर लिया है। इमली को हमने रात को भिगो दिया था, 3 मटर के दाने जितनी हमने यहाँ पर इमली ली थी और इसको हमने अच्छे से मसल मसल कर साफ कर लिया है। इसमें से हमने अपने हार्ड वाले पल्प को, धागों को, छिलकों को, गुठलियों को निकाल कर साइड में कर दिया है। अब हम यहीं पर इसमें अपने प्याज को डालकर अच्छे से मसल लेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़े प्याज को लंबा लंबा काट लिया है और अब मैं इसी के बीच में इसको मसल दूंगी ताकि जो छलनी के साथ इमली लगी है वो भी हमारी यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर हमने प्याज निकाल लिया है, इमली तैयार है, मसाला तैयार है, मोठ तैयार है, चावल तैयार है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे और चावल हमको हाथ से डालने हैं, कड़छी से चावल नहीं डालने। चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम अपना मोठ मसाला डालेंगे। मोठ मसाले के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी इमली। अब हम इसके ऊपर अपना प्याज डालेंगे। प्याज आप बिना इमली वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद एक बार फिर से हम इसके ऊपर अपना मोठ मसाला फैला देंगे और यहां पर हमारे मोठ मसाला चावल मोठ बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसको खाकर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी मिली, कैसी लगी। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तेज की रेसिपी। नमस्कार, धन्यवाद।